बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कुरान पाक से मुतल्लक अहम तरीन सवालात। कुरान का लुगवी मानी क्या है? दुरुस्त जवाब है पढ़ा गया। कुरान पाक के कुल कितने पारे हैं? दुरुस्त जवाब है 30। कुरान पाक की कुल कितनी सूरतें हैं? दुरुस्त जवाब है 114। कुरान पाक में मक्की सूरतों की तादाद कितनी है? दुरुस्त जवाब है 86। कुरान पाक में मदनी सूरतों की तादाद कितनी है? दुरुस्त जवाब है 28। कुरान पाक की सबसे तवील सूरत कौन सी है? दुरुस्त जवाब है सूरह बकरा। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? दुरुस्त जवाब है सूरह कौसर। बिस्मिल्लाह के बगैर सूरत का नाम क्या है? दुरुस्त जवाब है सूरह तौबा। दो बार बिस्मिल्लाह वाली सूरत का नाम क्या है? दुरुस्त जवाब है सूरह नमल। उम्मुल कुरान, बाबुल कुरान, फतहुल कुरान कौन सी सूरत है? दुरुस्त जवाब है सूरह फातिहा। कल्बुल कुरान और रूहुल कुरान किस सूरत के नाम हैं? दुरुस्त जवाब है सूरह यासीन। नज़ूले कुरान की इब्तदा कब हुई? दुरुस्त जवाब है 609 ईस्वी। कुरान पाक का दौरानिया नज़ूल क्या है? दुरुस्त जवाब है 609 ईस्वी ता 632 ईस्वी। पहली वही के वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? दुरुस्त जवाब है 40 साल। सूरह कौसर की आयात की तादाद कितनी है? दुरुस्त जवाब है 3। सूरह अल बकरा की आयात की तादाद क्या है? दुरुस्त जवाब है 286। कुरान पाक का आगाज किस सूरत से होता है? दुरुस्त जवाब है सूरह फातिहा। कुरान पाक का इख्तिताम किस सूरत पर होता है? दुरुस्त जवाब है सूरह नास। कुरान करीम किस रात नाजल हुआ? दुरुस्त जवाब है शबे कदर। कुरान पाक कितने अरसे में नाजल हुआ? दुरुस्त जवाब है 23 साल। कुरान पाक में कितने अंबिया इकराम का जिक्र है? दुरुस्त जवाब है 25। किस सूरा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहमद के नाम से पुकारा गया है? दुरुस्त जवाब है सूरा सफ। कुरान पाक में सबसे ज्यादा किस पैगंबर का जिक्र आया है? दुरुस्त जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। कुरान पाक पर आराब किसने लगवाए? दुरुस्त जवाब है हज्जाज बिन यूसुफ। नज़ूल के एतबार से पहली सूरत कौन सी है? दुरुस्त जवाब है सूरह अलक। नज़ूल के एतबार से आखिरी सूरत कौन सी है? दुरुस्त जवाब है सूरह अन्नसर। कौन सी सूरा पूरी की पूरी दुआ है? दुरुस्त जवाब है सूरह फातिहा। अरुसुल कुरान कौन सी सूरत है? दुरुस्त जवाब है सूरह रहमान। कितनी सूरतें लफ्ज कुल से शुरू होती हैं? दुरुस्त जवाब है 5। आखिरी आयत किस मौका पर नाजल हुई? दुरुस्त जवाब है हज्जतुल विदा। हरूफ मुकत्तियात की तादाद कितनी है? दुरुस्त जवाब है 14। कितनी सूरतें हरूफ मुकत्तियात से शुरू होती हैं? दुरुस्त जवाब है 29। कुरान में यौमुल फुरकान किस दिन को कहा गया है? दुरुस्त जवाब है गज़वे बदर। कुरान में फतह मुबीन किस को कहा गया है? दुरुस्त जवाब है सुलह हुदैबिया। कुरान पाक का सबसे पहले किस जबान में तर्जमा हुआ? दुरुस्त जवाब है फारसी। कुरान पाक का सबसे पहले उर्दू तर्जमा किसने किया? दुरुस्त जवाब है शाह रफीउद्दीन। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हों ने हबशा के बादशाह के सामने किस सूरा की आयात तलावत की? दुरुस्त जवाब है सूरह मरियम।
हाविया से क्या मुराद है? दुरुस्त जवाब है जहन्नुम। सूरह अहज़ाब में किस सहाबी का नाम आया है? दुरुस्त जवाब है हजरत जैद बिन हारसा रजी अल्लाह तआला अन्हु। कुरान मजीद में किस खातून का नाम आया है? दुरुस्त जवाब है हजरत मरियम। नमल के मानी क्या है? दुरुस्त जवाब है चींटी। अब्राहा की शिकस्त का जिक्र किस सूरह में है? दुरुस्त जवाब है सूरह अल फील। हजरत आयशा की पाक दामनी का जिक्र किस सूरह में आया है? दुरुस्त जवाब है सूरह अल नूर। कुरान करीम के आखिरी पारा में कुल कितनी सूरतें हैं? दुरुस्त जवाब है 37। अलिफ लाम मीम से कितनी सूरतें शुरू होती हैं? दुरुस्त जवाब है 6। सूरह अल बकरा की कौन सवी आयत को आयतुल कुर्सी कहते हैं? दुरुस्त जवाब है 255। कुरान करीम में पैगंबरों के नाम से कितनी सूरतें हैं? दुरुस्त जवाब है 6। किस सूरह में गजवे खंदक का बयान है? दुरुस्त जवाब है सूरह अल अहज़ाब। सूरह बनी इसराइल का दूसरा नाम क्या है? दुरुस्त जवाब है सूरह इसरा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गिरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक में कितनी बार आया है? दुरुस्त जवाब है 4 मर्तबा।